अनाज मिल रहा है तो इसी से खुश होने की जरूरत है। अनाज 5 किलो लेके क्या करेंगे, 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। क्या करेगा लोग, आज ऐसा स्थिति हो गया है गरीब लोगों का कि लगता है कि सबको जाकर लगता है कि मुख्यमंत्री के पास आत्महत्या करना पड़ जाएगा। तो हु इज द मेन रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर दिस? मैं बता रहा हूँ, खनन विभाग राष्ट्रीय जनता दल के मंत्री जी के पास था, तो ये सब कुछ जो कार्रवाई हुआ है इसकी जिम्मा राष्ट्रीय जनता दल, साथ में विधायक भी हैं, विधायक के बारे में बता रहा हूँ आपको कि हम मूल समस्या मत लीजिएगा। अगर ईमानदारी की बात करते हैं, नीतीश कुमार वो थ्योरेटिकल बात बोल रहे हैं, उनको भी मालूम है कि गांव में या उनके अगल बगल उनके खुद ही के रिश्तेदार में क्या होता है, उनको भी मालूम है। और विकास का करेंगे जब हम लोग को जीने खाने वाला रोजगार है उसको छीन लिए, शिक्षा का देंगे? बाहर जाएंगे, गुजरात में जाएंगे मार खाएंगे, महाराष्ट्र में जाएंगे तो मार खाएंगे, दिल्ली में जाएंगे मार खाएंगे, सगरों मारे खाएंगे, हमारा बिहार में कुछ है नहीं। खनन तो यहाँ पे अवैध ही चल रहा था ना? अवैध अब हुआ है, अब बोला रहा है अवैध है, लेकिन वैध बना के चलवावे। लालू गया बालू गया, तो यह नियम ही बंद होना चाहिए कि बालू बंदी नहीं, ये मौत बंदी है। ऐसी स्थिति में जब आपको सरकार चुनना होगा, नेता चुनना होगा, तो किसे और क्यों चुनेंगे आप? ये तो बेकार है चुनना सर। ये मनेर है, एक तरफ जहां ये मनेर शरीफ के नाम से एक दरगाह होने के वजह से फेमस है, तो दूसरी तरफ बहुत ही ज्यादा फेमस है बालू खनन के लिए। बालू खनन तो एक बात हुई, बालू खनन के लिए यहाँ पे न जाने कई बार गैंग वॉर्स होते हैं, कई लोगों के जान जाते हैं। जो बड़े व्यापारी हैं, जो बड़े खनन वाले हैं, वो छोटे वालों पर हमला करते हैं, ये तो इसकी पहचान है। सोन नदी गुजरती है यहाँ से और सोन नदी से बालू निकाला जाता है, लाल बालू, वो लाल बालू जो देश भर में सबसे ज्यादा मजबूत और उच्च कोटि का कहलाता है। मनेर में जिन लोगों से आज हमने बात की है, ये वो लोग हैं जो यहाँ पे लेबर का काम करते थे और बालू खनन में अपनी नाव से बालू निकालकर उससे अपना रोजगार करते थे। आज बालू खनन के बंद हो जाने की वजह से इनका जीवन निचले स्तर पे पहुंच चुका है और स्थिति ये आ गई है कि रोजगार ना होने के कारण इनके बच्चों की पढ़ाई तक रुक गई है, स्वास्थ्य सुविधाएं तक इनको नहीं मुहैया हो पा रही है, दवाई तक खरीदने के पैसे इनके पास नहीं है। लोग छोटा मोटा कुछ काम धाम करके जैसे तैसे अपने परिवार को चला रहे हैं। देखा जाए तो मनेर में विधायक जो हैं वो आरजेडी से हैं और यहाँ के सांसद बीजेपी से हैं। इस इलाके का विकास कितना हुआ है ये तो आपको इन लोगों से बातचीत करके ही समझ में आ जाएगा। तो देखिए इनकी ये वीडियो और जानिए इनकी समस्या। नाम क्या है? मेरा नाम राकेश कुमार हुआ। आप क्या करते हैं राकेश जी? मैं अभी इसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी करता हूँ। थोड़ा सा जिम्मेदार होकर 2-3 चीज हमको बताइए। मैं समझना चाहता हूँ कि जब इलेक्शंस होता है तो लोकल स्तर पे वोट को कैसे पोलराइज किया जाता है, लोग कहते हैं कि दारू शराब पैसा सब बांटा जाता है, क्या ये इफेक्ट कर रहा है यहाँ पे? देखिए सर, होता क्या है, ईमानदारी से बताना क्योंकि मैं भी उतना तो जानता हूँ। देखिए मैं आपसे समझना चाहता हूँ, चुनाव आएगी तो सब राजनीतिक दल के लोग आएंगे, सांसद महोदय अलग सबको आएंगे और जो भी मुद्दा होंगे तो बोलेंगे कि हाँ हम इस मुद्दा को उठाएंगे और उसको पूरा करेंगे, लेकिन जीतने के बाद में कोई स्थानीय मुद्दा को उठाना नहीं चाहते हैं। तो पैसा वैसे बांटते हैं सब? ना पैसा तो बांटा नहीं जाता है, लेकिन एक बार हम सुने थे, नहीं दारू शराब भी बांटता नहीं है, लेकिन यहाँ पर आते हैं लोग लगाएंगे कि हाँ चलिए हम मुद्दा को उठाकर काम करेंगे, लेकिन फिर जब जाते हैं तो स्थानीय जो बात है उस पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। हाँ ये कहिएगा आने के लिए क्षेत्र में आ रहे हैं, और भाई क्षेत्र में आ रहे हैं तो आने से नहीं होगा, क्षेत्र में आ रहे हैं आपके पास मान चलिए कि 5 या 10 आपका वर्कर है, वर्कर लोग भी वैसा हैं, कोई पार्टी का वर्कर है, तो जो मुद्दा है जो गहराई मुद्दा है वो लोग खुलकर नहीं बोलते हैं कि क्या है बात कर, खाली बस सांसद महोदय हो के चाहे विधायक महोदय हैं, हाँ खाली बस करेंगे लोग। बाहर जाएंगे, गुजरात में जाएंगे मार खाएंगे, महाराष्ट्र में जाएंगे तो मार खाएंगे, दिल्ली में जाएंगे मार खाएंगे, सगरों मारे खाएंगे, हमारा बिहार में कुछ है नहीं, तो जाएंगे क्या, लास्ट आत्महत्या करेंगे ना, क्या करेगा लोग। आज ऐसा स्थिति हो गया है गरीब लोगों का कि लगता है कि सबको जाकर लगता है कि मुख्यमंत्री के पास आत्महत्या करना पड़ जाएगा। हमारा समस्या यही कि मेरा जो बिजनेस नाव का है वो पूरा ठप हो गया, हम लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, हम लोग का कोई रोजगार मिल नहीं रहा है, हमारा बाल बच्चा जो है भूखे और खाने पर भी हम लोग का आफत हो रहा है भैया। हाँ हम लोग क्या करें, हम लोग को कोई व्यवस्था सरकार दे कि हम लोग का पोषण पालन और बाल बच्चा का रोजी रोटी चले। तो बिहार में क्या रोजगार आपको नज़र नहीं आता कोई है? क्या रोजगार करे, भैंस है, खेती है, तो खेती भी मेरा नहीं है, अब मान लेते हैं कि खेत रहेगा तो ना बोएंगे, अब एगो दुगो माल रखे उसको चरा करके पोषण पालन करके
दो किलो हो चार किलो हो वही दूध बेच करके अपना जो बनता है वो करते हैं। कितनी खेती है आपकी? हमारा तो एक को बीघा खेत नहीं है, एक को कट्ठा नहीं है। हाँ, और अभी क्या रोजगार कर रहे हैं? अभी वही भैंस चरा रहे हैं, गाय चरा रहे हैं। यहाँ का मुख्य बिजनेस था बालू। अब बालू को 16 से धर पकड़ चल रहा था, आई अब फिर पूरा सील हो गया है। सील होने के कारण पूरा आदमी बेरोजगार हो गया, एकदम भूखे मर रहा है। खनन तो यहाँ पे अवैध ही चल रहा था ना? अवैध अब हुआ है, अब बोला रहा है अवैध है, लेकिन वैध बना के चलवा भी। वैध तो नहीं बना रहा है सरकार, और न सांसद यहाँ का कुछ बोल रहा है। हाँ। आज तक सांसद एक भी बात नहीं बोला। कौन है सांसद? रामकृपाल यादव। 10 साल उनको जिताए हम लोग, एक छोड़ दो दो बार जिताए, लेकिन बालू पर एक टपा आवाज नहीं बोले। यही समस्या है सर, हम लोग को बिजनेस नावे था, नाव बंद हो गया, अब हम लोग मर रहे हैं, और क्या बोलूं। तो सरकार ने आपके इलाके में डेवलपमेंट के लिए और क्या किया? रोजगार के फिर दूसरे मौके तो सृजित करने चाहिए थे ना? हम लोगों के पास तक कुछ उपाय नहीं है सर। क्या काम करते थे आप पहले? हम पहले नाव चलाते थे सर, नाव पर जाते हैं, कमाते हैं, लेबर के काम करते हैं, और क्या करते हैं। तो अभी क्या करते हैं? अभी घरे बैठे हैं। तो आपका नाव क्यों बंद हो गया? हमारा नाव खाली बंद हो गया, पूरा बिहार का नाव बंद हो गया। इनका यह मुख्य पेशा था, आज से नहीं मतलब कई वर्षों से, कि बालू पे जाना, मतलब नाव पे जाना और बालू खनन करना। अब यह मजदूर वर्ग है यहाँ, माफिया कौन है, कौन बालू अवैध खनन करवा रहा है, क्या है इनका, उससे इनसे कोई मतलब नहीं। इन बस नाव पे जाएंगे, बालू निकालेंगे, इनको जो हाँ, रोजगार का एक हाँ, साधन, रोजगार का साधन है। इनको जो मिला 200-500 हजार जो भी कमाए, उसी से इनका घर परिवार चला। लेकिन अब क्या हुआ कि प्रशासन या सरकार तो अवैध खनन पर रोक लगाएगी, तो सरकार पे इस पे तो कोई इशू हम कह नहीं सकते कि सरकार तो अवैध खनन पर रोक लगाएगी, लेकिन मजदूरों को इसमें निशाना बनाया गया और माफिया तो हमेशा की तरह बच गए। तो प्रशासन ने क्या किया कि इनके नाव को जलाना शुरू किया। जलाना नाव वालों की क्या गलती थी इसमें? नाव वालों की कोई गलती नहीं, नाव वालों की यही मैंने सरकार से यह दबाव आया कि अवैध खनन रुकना चाहिए, तो अवैध खनन रुकना चाहिए। तो गांव वालों का यह कहना था कि आप अवैध खनन रोकिए, और नाव को जलाने का कोई तो तर्क है नहीं, कोई तर्क आप नहीं नाव है। को जब्त कर लीजिए, उसके बाद जो प्रोसीजर है कोर्ट है उससे आप कानूनी कार्रवाई करके ये लोग नाव छुड़ाएंगे, बाकी जैसे गाड़ियाँ छुटती है वैसे। लेकिन प्रशासन ने क्या किया कि प्रशासन ने नाव को ही जलाना शुरू कर दिया। समस्या बताइए और क्या दिक्कत है, कौन सा नेता बेहतर लगता है? रोजगारी बहुत समस्या है, और हम लोग आरजेडी तेजस्वी यादव को वोट देने जा रहे हैं। क्यों देना चाह रहे हैं तेजस्वी को? वो 17 जो 17 साल में नहीं मोदी जी किए ना, 17 महीना में करके दिखाया है। जंगल राज भूल गए आप लोग? बालू रहा, लालू गया, बालू गया, हम लोग बेरोजगार मर रहे हैं। हाँ, यहाँ पर तेजस्वी चलेगा, तेजस्वी चलेगा, हर हाल में चलेगा। तो अभी तो आपके कोई बीजेपी के नेता गए? कोई मतलब नहीं है, 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। अभी इनको गरीबी नहीं नजर आ रहा है। नीतीश कुमार बोलते हैं कि जातीय जनगणना होगी तब हम रहिए गरीबी गरीबी का पता करेंगे, अब इस तरह गरीबी नजर न खोया। बालूबंदी से बहुत व्यापक असर पड़ा है यहाँ। उसका एक सबसे बड़ा सामाजिक असर यह है कि लोगों का शादी विवाह तक में प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पे लोग बेटी का विवाह के लिए जो दहेज का व्यवस्था होता है उसकी पूर्ति नहीं कर पाए। तो गांव में कई एक मामले ऐसे देखने को मिला, उनका शादी कट गया है। तो बिहार में तो नीतीश कुमार घूम घूम के प्रचार कर रहे हैं कि यहाँ पे दहेज लेना मतलब गलत है, बंद करवा रहे हैं। तो दहेज लेना और देना दोनों पाप है, लेकिन इस तरह से तो बहुत सारा काम जो है कानूनी रूप से सही और गलत हम भेद कर सकते हैं, लेकिन बिना दहेज के शादी विवाह होता कहाँ है? कहीं नहीं होता है। गरीब लोग जो देते हैं थोड़ा बहुत अपनी बेटी को, उसको दहेज बोला जाता है। राजा लोग देते हैं करोड़ों और बहुत, उसको गिफ्ट बोलते हैं। यही फ़र्क है और क्या। तो बिना दहेज के शादी नहीं होता है। तो नीतीश कुमार वो थ्योरेटिकल बात बोल रहे हैं, उनको भी मालूम है कि गाँव में या उनके अगल बगल उनके खुद ही के रिश्तेदार में क्या होता है, उनको भी मालूम है। तो गांव में बहुत बड़ी समस्या है, और ख़ास करके यह गंगा के इलाके में, कि
जीवन ही ठप पड़ गया है। देश में चौथे स्तंभ पर आप लोग हैं, है ना, सवाल करने का। आप लोग जो सवाल कर सकते हैं, हम लोग वहाँ पहुँच ही नहीं पाएंगे। आप लोग खड़ा सवाल नेता लोग से कर सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं कर सकते। सर, मैं अपनी अपना भरोसा दे सकता हूँ, आप मेरे उस पे जाके हमारे चैनल जैसे देख लीजिए। हम लोग के यहाँ बहुत बड़ा समस्या है बालू का। मैंने आपके रामकृपाल यादव जी से बातचीत किया था परसों रात में, और उस दौरान मैंने मनेर के बालू खनन को लेकर के सवाल पूछा भी था। ये भी पूछा था कि आखिर इन लोगों के लिए आगे आप क्या कर रहे हैं इनके रोजगार के लिए, क्योंकि ये लोग आश्रित थे बालू खनन पे। आज मनेर में हैं हम लोग। मनेर पे एक सवाल है मेरा कि मनेर में 70% जो इकोनॉमी थी वो बालू के खनन से शुरू होती थी, ठीक है। जो भी उसका व्यवसाय करते थे, काम करते थे, नौवाहक हुए, उन सब का जो घर का खाना पीना या फिर उनकी जो आय का स्रोत था यही था। लेकिन नावों को जला दिया गया, खनन को बंद कर दिया गया, यहाँ के जो पहले मार्केट पहले जिस तरीके से गुलजार थे, जो यहाँ पे इनकम आता था वो कम हो गया। आज उनके बच्चे परेशान हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं अच्छे जगह पे, खाने के लाले पड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, इस पे क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल वैसे मैं आपके इस बात से सहमत हूँ। ये इलाका गरीबों का इलाका है, मजदूरों का इलाका है, कोई इंडस्ट्री नहीं है यहाँ पर, पढ़े लिखे लोगों की संख्या कम है, रोजी रोटी की कोई व्यवस्था नहीं है। तो खनन के माध्यम से ही लोग काम करते थे। मगर ये जो सरकार ने जो हमारे पहले वाली जो सरकार थी आरजेडी और नीतीश, हाँ, उसने जो काम किया इसी का प्रतिफल है। तो किस तरह से, और बात दरअसल ये है कि राष्ट्रीय जनता दल के अधिकांश तौर पे सपोर्टर लोग हैं, उन्हीं के मिले भी यहाँ से लगातार हैं। तो हु इज द मेन रिस्पांसिबल पर्सन फॉर दिस? मैं बता रहा हूँ, लेकिन उन्हीं के पास खनन विभाग भी था। खनन विभाग राष्ट्रीय जनता दल के मंत्री जी के पास था। तो ये सब कुछ जो कार्रवाई हुआ है इसकी जिम्मा राष्ट्रीय जनता दल है। तो क्या आप खनन सरकार को शुरू करवाएंगे? देखिए, खनन हो सही तरीके से, हाँ सही तरीके से हो, तो सही तरीके से खनन हो, रोजी रोटी का सवाल खत्म हो जाए, परेशान है लोग, यहाँ दाने दाने को वो हो गए हैं, इनकी संपत्ति ट्रक जब्त कर लिया जाता है, बहुत लोग जब्त कर लिया गया, तो उसके लिए सरकार से सोल्यूशन निकालने की आवश्यकता है। क्योंकि अभी आपने कह दिया ना कि यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है, आप जो पलायन तो होता ही है, आप जो है रोजी रोटी भी बचाइए और अपना रेवेन्यू भी बचाइए। तो इस तरह के उपाय सरकार सोच रही है, वर्तमान सरकार जो है। आज तक ना रामकृपाल जी पहले नेता ठीक थे, लेकिन अभी सही में वो केवल भोज भात में पूरी खाने वाले नेता हो गए हैं। क्योंकि 10 साल से यहाँ सांसद हैं, और रोड और शिक्षा का तो बात छोड़ दीजिए, यहाँ मूल समस्या है रोजगार। साथ में विधायक भी हैं, विधायक के बारे में बता रहा हूँ आपको कि यहाँ मूल समस्या, मत लीजिए ईमानदारी की बात करते हैं, आपको बता रहे हो, पहले आप मेरे पूरी बात को सुनिए जी। शिक्षा और मकान चाहे जो भी हो, पढ़ाई लिखाई कपड़ा, पेट के बाद ही आता है। और जब पेट लोग को भरेगा तभी अच्छा लगेगा बाल बच्चा को पढ़ाना या कपड़ा पहनना या मकान बनाना या अच्छे रोड पर चलना। तो यहाँ मेन समस्या भूखमरी की हो गई है, पेट का हो गया है, जो कि यहाँ बालू पर लाखों लोग निर्भर है। और केवल पटना जिला नहीं, आपको आ जाइए कटिहार, सहरसा, बंगाल, किशनगंज, मैंने कई एक जिला के लेबर यहाँ लोग आके बालू से कमाते हैं। पहली बात कि ये लोग, बिहार सरकार जो है आज तक तो कोई यहाँ संस्था लगाया नहीं, न कारखाना दिया, न रोजगार दिया। ये भी जो कमीनी का साधन है, ये गॉड गिफ्ट है, ये नेचुरल चीज़ है, जो कि गंगा से बालू निकलती है और उसी चीज़ को हम लोग अपने द्वारा खोद खान के कुदार से निकाल के ले जाके हम लोग उधर बेचते हैं, उससे हम लोग का बाल बच्चा पोसाता है। वही आज 2-3 साल हो गया बंद हुए, लेकिन कृपाल जी कभी आज तक इस क्षेत्र में नहीं आए, पूरे मनेर प्रखंड में। और वो बोलते हैं कि हम जनता के घर घर जाते हैं, समस्या को सुनते हैं, आज तक नहीं आया। रिकॉर्ड बता दें, हम उनको चैलेंज करते हैं। अभी तो कोई आया था, चाहे जो आए हम तो नहीं देखे हैं। हम रामकृपाल जी को चैलेंज करते हैं, हम डिबेट तो उनके साथ नहीं कर सकते हैं, फिर भी बैठेंगे कि किस पंचायत में पूरा मनेर प्रखंड के जाके अपने जनता को इस समस्या के बारे में जाने हैं। यहाँ हजारों नाव लहका दिया गया, डुबा दिया गया पुलिस द्वारा। बताइए कि प्रिस्मेंट देना किसका काम है? पुलिस प्रशासन को कि कोर्ट को? हम खूब गलती करते हैं, हम अवैध करते हैं, तो हमको पुलिस पकड़ के हमको कोर्ट के पास भेजे, कोर्ट ना सजा देगी हमको? ये क्यों देते? इस पर आज तक की लोग आवाज उठाया
यहाँ के स्थानीय थाना हो चाहे जो हो कहे ये सब मनमानी काम करता है। आज तक ही राम कृपाल जी नहीं पूछे। और रहा बात भाई वीरेंद्र विधायक जी का, तो वो लालू यादव के नाम पर जीतते हैं, वो अपने कर्म पर नहीं जीतते हैं। आज वो RJD से हट जाए तो एक पंचायत का चुनाव नहीं जीतेंगे। तो ये हल्दी छापर है, मनेर से करीब 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है, मनेर विधानसभा के अंतर्गत आता है, डेरा में है ना, हम बुझ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समस्याओं के बारे में तो आपने इस गांव के लोगों के माध्यम से जान ही लिया कि क्या कुछ समस्याएं हैं। मुख्य समस्या ये है कि यहाँ पे जो खनन होता था बालू का, जो सोन नदी और गंगा नदी के मिलन के बाद से यहाँ पे जो लोग निकालते थे, उसी से इन सबका रोजगार चलता है। बच्चों का एजुकेशन हो, अस्पताल के लिए जाना हो, या फिर घर में कोई बीमार हो तो उनकी दवाइयाँ हो। नई पॉलिसी लेके तो आनी ही चाहिए इस पे। नई पॉलिसी लेके आना चाहिए। यहाँ के ग्रामीण मिले थे लोग स्थानीय विधायक से, तो उन्होंने कहा था कि जिस तरह से गाड़ी का नंबर होता है ना, उसी तरह से नाव का भी नंबर निर्धारित किया जाए, और अच्छी बात है ये। तो अब यह राज्य की जिम्मेदारी है, कोई आदमी भूखे नहीं मरे। यह क्या मतलब है कि सब कुछ खत्म कर दो, उसका बोलो कि नियम कानून से चला। यह नियम किस काम के, जब लोग नहीं बचे तो यह नियम ही बंद होना चाहिए कि बालू बंदी। बालू बंदी नहीं, ये मौत बंदी है यहाँ के लोगों के लिए। कोई रोजगार है ही नहीं, क्या करेगा यहाँ। और वैसे लोगों के ऊपर जब क्या होता है, आप जैसे अभी गैंग्स ऑफ वासेपुर का क्या बता रहे थे। नहीं नहीं, वो दूसरा मामला है। जैसे यहाँ पे बालू को लेकर वर्चस्व की लड़ाई अभी होती है ना, जब से ठेकेदारी प्रथा हुआ वर्चस्व की लड़ाई हुई कि इतना मीटर तक मेरा घाट, उतना मीटर तक मेरा घाट, इस तरह की नीलामी, सरकार का उसमें हस्तक्षेप। फिर उसके बाद तो दायरे तो सरकार ही तय करती होगी ना। हाँ, दायरे सरकार तय करती है, लेकिन उस दायरों से जब आगे बढ़कर कोई काम करता है तो उसके लिए तो वर्चस्व की लड़ाई में खतरा तो है ना। तो गोली बारूद मनेर, तो ये सब कुछ आप गूगल कर लीजिए, बहुत सारी हत्याएं हुई हैं यहाँ। हत्या के मामले में भी यहाँ पे आगे है मनेर। हाँ, उसमें 2-4 लोगों के वर्चस्व की लड़ाई में मजदूर लोगों की मौत हो जाती है। वो नाव कहाँ पे है जो इसको काट के जलाया गया है? ये सामने सब पड़ी हुई है, देख लीजिए। ये तो बांधा हुआ है ना, तो नाव काट के जो जला दिया गया, निकाल दिया गया, तो वो दिखेगा कैसे? वो तो खत्म हो गया ना, पानी में डूब गया ना। यहाँ पे सरकार का जो है अपना ट्रांसपोर्ट लेकर आया और सामने उनका काट दिया नाव। हम लोग उधर दूर नहीं जाएंगे। गंगा ने कहाँ तक कटाव किया है? गंगा दिन प्रतिदिन जो है वो उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ रहा है, और कटाव के रोकाव के लिए भी यहाँ पे कुछ चला कार्यक्रम। उधर आगे अब बढ़ेंगे पूरब की तरफ, तो उसको रोकने के लिए जियो बैग वगैरह लगाए गए हैं सरकार के द्वारा। लेकिन ये हरदी छपरा जहाँ पे मेन गंगा का तट है मनेर का, वहाँ पे आप देख रहे हैं कोई सुविधा नहीं है। दिन पर दिन कठिन रहा है खेती बाड़ी, यहाँ जो आप इस तरफ देख रहे हैं वो सब खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से तो शुरू करके मतलब सारी खेती ही चल रही है। सारे बहुत आगे तक था खेती वगैरह, रेत वहाँ तक मतलब जमीन था। हर साल के कटाव धीरे धीरे कट ही रहा है, जैसे देख रहे हैं आप 20 दिन बाद आइएगा तो ये गिरा रहेगा। और पानी जब भर जाता है, जैसे सितंबर में अगस्त में जब बाढ़ आएगी, हाँ 1.5-2 महीने, कहाँ तक ये पहुँचता है? गांव तक, जहाँ इसके पहले हम लोग शूट कर रहे थे। हाँ, जहाँ हम लोग शूट कर रहे थे ना, उससे आगे तक, उससे आगे तक पानी भर जाता है। हर रूम में इतना, मनेर का निचला इलाका, हर रूम में, मनेर का, मनेर का निचला इलाका जो भी है पूरा जलमग्न हो जाता है। आने जाने के रास्ता भी नहीं बच पाता है। लोग जैसे तैसे करके ऊपर ऊपर में थोड़ा सा शरण लेते हैं उस टाइम। जैसे मनेर का जो ऊंचा वाला इलाका है, वहाँ पे लोग स्कूल में या किसी तरीके से सरकारी भवन वगैरह जो है उसमें आश्रय लेते हैं, और इसी तरह से जीवन चल रहा है। जब पानी फिर पीछे हटता है, फिर लोग जो है कि पुनर्वास के लिए फिर यहीं पर आते हैं, और ऐसे ही करके जीवन चल रहा है। जब मैं इस गांव को देख रहा हूँ, घूमा मैंने, मैं देखा कि डेवलपमेंट बिल्कुल भी शून्य के बराबर है। रास्ते भी अभी हाल फिलहाल में थोड़े बहुत बनने शुरू हुए हैं, इसके पहले क्या हो रहा था पता नहीं। तो यहाँ पे विधायक जो हैं वो RJD से हैं, भाई वीरेंद्र, और सांसद जो हैं वो रामकृपाल यादव हैं। यहाँ के जो लोग हैं ना खुश रामकृपाल यादव के सांसदी से हैं, और ना ही विधायकी से हैं भाई वीरेंद्र से, क्योंकि डेवलपमेंट इन लोगों के लिए शून्य के बराबर है, क्योंकि सरकार ने इसे अवैध खनन बताया और उसे बताकर सारी चीज़ें रुकवा दी। अब सरकार का ही माध्यम है कि अगर बालू निकलवाना है तो वो वैध तरीके से निकालें, लेकिन ये कोई तरीका डेवलप ना करके एकदम से बंद कर देना और इनके रोजगार को खत्म कर देना, जबकि इनके पास कोई दूसरे रोजगार के साधन सरकार द्वारा प्रोवाइड नहीं किए गए हैं, तो ऐसी स्थिति में इनके लिए सब चीज़ एकदम अंधकार सा है। लोग सरकार बदलना चाहते हैं,
लेकिन इन्हें नहीं पता कि अगर बदले भी तो किसको लेकर के आए, क्योंकि इनके लिए कोई नेता यहाँ पे उस तरीके से है ही नहीं। तो लोग अपनी समस्याओं के साथ अपनी अपने दुख को यहाँ आपके सामने बताया है। मेरा नाम अनिल शारदा हुआ, फिलहाल यहाँ से साइन ऑफ ले रहा हूँ। कल किसी दूसरे जिले से किसी दूसरी समस्या के साथ आपसे मिलूंगा। बने रहें आप जस्ट के साथ, देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।